गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो के तीन भाग हैं। सबसे पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यू लेटर को किस तरह से लिखा जाता है। दूसरे भाग में हाइड एंड सीक चैप्टर को पढ़ना हम लोग सीखेंगे और आखिरी भाग में हम लोग एक वर्कशीट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली वीडियो से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज का लेटर है W। ये है कैपिटल W और ये है स्मॉल W। W की साउंड है वो। आपको तो पता ही है W for watch, वो watch। W for window, वो window। W for wasp, वो wasp। अब हम चलते हैं नोटबुक पर और सीखते हैं लिखना। कैपिटल W को ऊपर की तीन लाइनों में लिखते हैं। देखो ऐसे। W को बीच की दो लाइनों में लिखते हैं। देखो ऐसे। होमवर्क तो आपको पता ही है। होमवर्क में आप अपनी नोटबुक में W को लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी बुक में W लेटर ढूंढकर सर्कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी साथी एरियल और आज हम पढ़ेंगे बुक रेनड्रॉप्स लेसन नंबर 9, हाइड एंड सीक। नाउ लेट्स रीड। मोती वांट्स टू प्ले। ही लुक्स फॉर रानी। आई एम हंग्री, सेज रानी। आई वांट टू ईट। जिमी एंड रिमी are sleeping in the basket. Moti wakes them up. Come out and play with me, he barks. Not now, says Jimmy. I am tired. I am sleepy, says Rimi. Moti goes outside. He sees Happy in her pond in the garden. Will you come and play with me? He asks. But Happy says, no, I am looking for flies. Moti sees Bunny and stops. Will you play with me? He asks.
bunny looks at him. Hello, Moti, he says. I am eating a carrot, so I can't come and play with you. Moti is sad. He lies down on the grass. Then he gets up again. He walks around the garden. Moti finds a basket. He turns it upside down and hides under it. Rani, Jimmy, Rimi, Happy, and Bunny search for Moti, but they can't find him. Happy hops near the basket. He stamps Moti's tail. Moti barks aloud. Everyone knows where he is. Then they chase him round and round the garden. Bye-bye. Thank you. Keep learning. Keep growing. तो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में W लेटर को लिखना है। उसके बाद वर्कशीट में दिए गए इन चार शब्दों को आप पढ़ेंगे और सबसे अंत में, जैसे आपने वीडियो में देखा है, आप अपनी किताब से हाइड एंड सीक चैप्टर को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।